बस सब मसाले और ये पालक पकी हुई है, आलू भी उबले हुए हैं, तो हम इसको हम 5। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं पालक आलू मसाला वाले बनाने। पालक आलू मसाले वाले हम कैसे बनाते हैं, चलो अभी आप लोगों को हम बताते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड कमेंट जरूर करा करें। कमेंट से पता चलता है कि हमारा वीडियो कैसा बन रहा है, आप लोगों को पसंद आ रही है हमारी रेसिपी की नहीं आ रही है, तो कमेंट जरूर करा करें। कमेंट करने से थोड़ा अच्छा लगता है और हमारी कमियां हमें पता चलती हैं, तो कमेंट कृपया कर दिया करें। और चलिए ले चलती हूँ आपको अपनी किचन में, चलो आओ। हाँ, सो हमने ये ले लिया है पालक आलू मसाला वाले बनाने के लिए 500 ग्राम पालक ले ली है, और इसे हमने धुलकर 2-3 बार धुला है, और हम इनके डंठल निचोड़ेंगे और इसको हमने सुखा लिया है। और अब हम इसको अच्छे से बीन भी लो इसको, और अब इसको हम उबालेंगे। ये मैंने ले ली है 4 हरी मिर्चा, 8-10 कलियाँ लहसुन की, ये दो हमने टमाटर ले लिए हैं, एक टमाटर बड़ा है एक छोटा है, आपके टमाटर छोटे हों तो 3 ले लो। और ये हमने ले लिए हैं 500 ग्राम आलू, इनको हम छील कर काट लो या मिसल लो इनको टुकड़ों में कर लो हाथों से, और ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है। इधर हमने ले लिया है 4 प्याज जिन्हें हमने छील कर काट लिया है, इसका हम पेस्ट बनाएंगे प्याज का। और इधर हमने ले लिया है ये पानी, ये पानी हम डालेंगे 3 से 4 गिलास, तो ये हम उबालेंगे पालक। लगभग इसको उबालने में 7-8 मिनट में उबल जाएगी ये। और ये टमाटर को काट के हम पेस्ट बनाएंगे, और ये जो हरी मिर्चा हैं ये हम पालक में डालेंगे पीसते समय, और लहसुन का हम पेस्ट बनाएंगे, अदरक का ही भी हम पेस्ट बनाएंगे, इसको हम खलबट्टे में कूटेंगे अलग अलग। ये हमने मलाई ली है घर की फ्रेश मलाई, और ये हमने 500 ग्राम लिए हैं आलू, ये हमने छील कर हम इनको काटे ले रहे हैं छोटे टुकड़ों में, या हाथ से आप छोटे छोटे टुकड़े इनको कर लो इस तरह से, या फिर मिसल सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हो। और ये हमने पालक उबाल ली थी, 7-8 मिनट में हमारी पालक उबल गई थी, तो हम इसमें डालेंगे फ्रिज का ठंडा पानी, तो इससे कलर अपना ग्रीन ही रहेगा, हरा ही रहेगा पालक का, और अच्छा कलर आएगा पालक का। चलिए अब इसको हम हरी मिर्चा डाल लेते हैं अपनी चारों इसी में जार में, और इसका इसको हम पीस लेते हैं। ज़्यादा फाइन ना करें इसको, ज़्यादा थोड़ा वैसा रहने दें, ज़्यादा महीन ना पीसें इसको, बस एक दो मिनट में पिस जाएगा ये, एक ही मिनट में पिस जाएगा पालक अपना। इधर हमने ले लिया है वो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना लो, या फिर खलबट्टे में कूट सकते हो आप। ये हमने ले लिया है टमाटर का पेस्ट बना लिया है, प्याज का पेस्ट बना लिया है, और चलिए अब हम इसको बनाते हैं अपनी पालक आलू मसाला वाली। तो हमने 1.5 चम्मच ये ऑयल डाल लिया है, सरसों का तेल डाला है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी भर हींग, और अब हम अपना डालेंगे तेजपत्ता 2, और अब हम अपना डालेंगे, जीरा चटक गया तेजपत्ता भी भुन गए, अब हम डालेंगे अपना प्याज। तो प्याज को हम 5-6 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे, जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़ने लगे तब तक हम इसको भूनेंगे, और कुछ इस तरह से बीच बीच में चलाते रहें, स्लो आंच कर लें फिर तेज कर लें और चलाते रहें, 4-5 मिनट में लगभग प्याज भुन जाता है अपना। इधर हमने ये हल्दी और नमक मिला के रख लिया है, ये हम जब टमाटर के बाद डालेंगे ये हल्दी नमक, तो जल्दी हमारा टमाटर का पेस्ट जल्दी गल जाएगा, अच्छे भुन जाते हैं टमाटर ये डालने से। तो हमने ये 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी को मिला लिया है। तो हमारा ये मसाला देखो प्याज भुन चुका है, तो अब हम इसमें अपना डालेंगे मसाले।
ये हमने ले ली है आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा है हल्दी, और 1.5 चम्मच है धनिया, क्योंकि हल्दी हमने उसमें भी ली थी, तो एक आधी चम्मच से ज़्यादा थोड़ी हल्दी है और 1.5 चम्मच धनिया है, और आधी चम्मच से कम है लाल मिर्चा, और ये हमने ली है दरदरी कुटी लाल मिर्चा अलग से ली है, जिसे हम चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं। ये हम पानी से घोल बना के और अपने पेस्ट में ये डाल देंगे, मसालों को अच्छे से घोल के कुछ इस तरह से ये अपना डाल लो। तो 2-3 मिनट इसको भी पकाएंगे हम, थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे अभी हम इसमें, और इसमें बस अच्छे से मिक्स करके और इसको भी पका लेंगे। ये हम थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, और अब हमने गैस को अपना कर दिया है स्लो, तो स्लो से तेज आंच में ये अपना मसाला पकता रहेगा। 2-3 मिनट में ये भी पक जाएगा। जब ये पक जाएगा तो थोड़ी देर बाद, 1 मिनट बाद हम अपना नमक डाल देते हैं। नमक क्योंकि हम उबाला भी डालेंगे, तो हमने छोटा चम्मच है मेरा, तो हमने आधी चम्मच नमक डाला है, क्योंकि अभी वो टमाटर के बाद भी हम थोड़ा नमक डालेंगे हल्दी वाला, तो उससे जल्दी टमाटर गल जाएंगे। ये अपने मसाले में हमने आधी चम्मच नमक डाला है, बहुत छोटी चम्मच है हमारी। आप नमक अपने स्वाद और सेहत अनुसार डालना, नहीं तो आप लोग कहो पहले क्यों नहीं बताया था हमारा नमक ज़्यादा या कम हो गया था। आप जैसा खाते हो वैसा ही डालो। तो थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे इसमें कुछ इस तरह से, और अब इसको चलाते हुए अच्छे से बस स्लो आंच कर लो, फिर तेज कर लो। 2-3 मिनट में अपना ये मसाला भी भुन जाता है, हल्दी नमक धनिया वाला, हल्दी मिर्चा और धनिया वाला। ये मेरा मसाला देखो भुनने वाला है, लगभग 20 सेकेंड और भुनेंगे हम इसको। बस इस तरह से हम चलाते रहेंगे इसको इस तरह से। जब ये अपना मसाला वाइल छोड़ जाए तो समझो मसाला अपना अच्छे से भुन गया है। बस कुछ इस तरह से आप लोग भी इसको चलाते रहो, बस तली में न लग पाए, तो स्वाद इसका बहुत अच्छा बनता है आता है। और ये हमने ले लिया है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, हमने इसको खलबट्टे में कूटा था अलग अलग। आप चाहो तो एक साथ मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस सकते हो, प्याज लहसुन के साथ भी पीस सकते हो और अलग से भी डाल सकते हो मसाले के बाद, मसाला भुनने के बाद। तो हमने इसको खलबट्टे में कूटा था, हमारा मसाला भुन चुका है, तो हमने ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी डाल दिया है, अदरक और लहसुन वाला। अब ये भी भुनेंगे हम 1 मिनट तक, थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और हम इसको भी भून लेते हैं अच्छी तरह से। बीच बीच में बस अपनी स्लो आंच करते रहो, तेज करते रहो और इसको चलाते रहो, क्योंकि तली में मसाला चिपकना नहीं चाहिए। अगर मसाला चिपक जाता है तो स्वाद अच्छा नहीं लगता है सब्जी का। तो बस आप चलाते रहो इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं है तो चिपकता है। अब हम अपनी डालेंगे अपनी ये फ्रेश मलाई घर की, ये हमारे दूध की हमने घर की ही मलाई अपनी डाल दी है 1/2 कप। अब इसको भी हम पकाएंगे लगभग 1 मिनट तक, और इसको स्लो से तेज आंच पर पकाएंगे। बस इसको इसी तरह से आप लोग भी चलाते रहो, और एक बार सब्जी आप लोग ये ज़रूर बनाना, बहुत बेहतरीन सब्जी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी, और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, खून बढ़ाती है, क्योंकि इसमें पालक है, आयरन है, तो ये खून बढ़ाती है। और ये बच्चों को बड़ों को सब्जी बनाकर ज़रूर दो, 10-15 दिन में तो सब्जी ये बन ही जाती है। हमारे यहाँ बहुत पसंद आती है सबको ये सब्जी, और फ़ायदेमंद भी है। बस अब हम इस तरह से चलाते रहेंगे। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, पालक हम लोगों को खाना चाहिए। बस अब हमारा मसाला बस 1 ही मिनट में बस भुनने वाला है ये, तो हम अपना करेंगे टमाटर का पेस्ट को ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। ये हमारा भुजेगा टमाटर का पेस्ट 3 से 4 मिनट, बस इसको भी चलाते रहेंगे बीच बीच में स्लो से तेज आंच पर इस तरह से कुछ। अब इसमें जो हमने हल्दी और नमक वाला मसाला जो बनाया था, हमने मसाला क्या, वो उसमें हल्दी और बस वो नमक है, आधी चम्मच हल्दी है, आधी चम्मच नमक है छोटा वाला चम्मच,
तो इसमें हम ऐड कर देते हैं टमाटर पेस्ट के बाद, तो ये हमारा मसाला जल्दी भुन जाएगा, प्याज जल्दी गल जाते हैं टमाटर और हल्दी डालने के बाद। तो बस इसको भी हम अपने 3-4 मिनट भूंज लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड किया था इसमें, काहे कि अच्छे से अपना मसाला भुन जाइए। कुछ इस तरह से आप चलाते रहें, बस लग ना पाए सब्जी इस तरह से। बहुत ही अच्छी बेहतरीन सब्जी बनती है। ये देखो हमारा मसाला लगभग भुनने वाला है, थोड़ा सा ऑयल और छूट आ जाए उसमें ऊपर, तो हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। फिर हम अपने डालते हैं इसमें आलू। अब हम इसमें अपने डालते हैं आलू को, जिन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था, काट लो या हाथ से मसल लो उसको। तो ये हमने ऐड कर दिए हैं आलू। आलू को अब हम चलाएंगे, लगभग इसको भी हम पकाएंगे 1 मिनट तक। जब ये मसाला अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएगा, इस तरह से आप लोग चलाते रहें, स्लो आंच कर लें इस जगह पर। और जब मसाला अपना आलू में मिल जाए अच्छे से, और ज़्यादा बड़े आलू हों तो आप भी इस तरह से तोड़ लो, चमचे से ही तोड़ जाते हैं आलू अपने इस तरह से। फिर अब इसके बाद हम मिलाते हैं अपनी पालक पिसी हुई, तो ये पालक का पेस्ट भी मिला दिया इस तरह से। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों में। अच्छे से मिक्स हो रहा है, और अब हम इसमें डालेंगे बस 30 सेकंड और पालक को पकाएंगे। 30 सेकंड बाद हम अपना डालेंगे पानी, लगभग 1.5 गिलास डालेंगे इसमें पानी। आधा गिलास हमने पानी डाल दिया है, 1 गिलास हम और पानी डाल देते हैं। तो ग्रेवी इसकी थिक ही रहती है, ज़्यादा अपला ना करें इसको। तो 1 गिलास पानी हमने और डाल दिया है इसमें पालक आलू में, और बस इसको चलाते रहेंगे। बस 2-3 मिनट इसको पकाने में और लगेंगे, क्योंकि हमारा मसाला सब पका हुआ है, आलू भी उबले हैं और हमारा मसाला भी भुंज गया था अच्छे से। तो बस इसको हम पका लेते हैं, फिर अपने हरे धनिए से गार्निश करेंगे इस सब्जी को। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है। बस बीच बीच में हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे, लगभग हमारी सब्जी बनने वाली है। बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही अच्छी सब्जी रहती है ये, आप ज़रूर बनाएं। ये देखो कितना अच्छा कलर भी आ गया है, ग्रीन ग्रीन। इधर हमारा आटा भी मरने लगा है रोटियों के लिए, बच्चा आ रहा होगा लंच किया होगा उसने दोपहर में, जल्दी से खाना मांगेगा, तो मम्मी बस जल्दी से उसको रोटियां गरम गरम बना के देंगी उसको। ये अब हम कर लेते हैं सर्व एक प्लेट में अपनी आलू पालक मसाला। ये हम अपनी सर्व कर लेते हैं गरम गरम। अब इसमें हम अपनी डाल लेते हैं हरा धनिया सर्व करने के बाद। पहले ही हमने थोड़ी धनिया ऊपर से भी डाल दी थी, अब इसमें भी डाल देते हैं। बहुत सब्जी अच्छी बनी है। आप एक बार इस सब्जी को आप लोग ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है ये सब्जी। पूरी सब्जी अपनी कर दी है सर्व, ऊपर से हरे धनिए से गार्निश कर दिया है, और आपकी रेडी है बनकर मसाला आलू पालक बनकर तैयार है इस तरह से। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मेरी सब्जी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो अच्छी बताना, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। बाय। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।